हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बैंगन की कलौंजी बनाना बताऊंगी। देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ, आप भी अपने घर पे इसी तरह से बनाइएगा। ये हमारा बैंगन है, सब्सक्राइब ये करो। हमारा देख क्या बैंगन है। रहे हो? बैंगन बड़ा था इसलिए मैं इसको दो भागों में काट लिए। इस तरह से देखिए, दो भागों में हमने काट के रखा है। ये हमारा आलू है, ये आलू है। देखिए इसको हम चार भागों में काटे हैं, इसको अलग नहीं किए हैं, इसी में ही ज्वाइंट है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह हम आलू को काटे हैं। और ये हमारा वो है, पचफोरन है। इसमें गरम मसाला भी है, गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए, थोड़ा ही गरम मसाला है इसमें। ये हमारा गरम मसाला है। और ये धनिया लहसुन का पत्ता है, और ये प्याज है, और ये चार मिर्चा है। तो इसको हम मिक्सर में या सील में पीसते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम इसको कैसे कलौंजी बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो देखिए ये हमारा पचफोरन है, धनिया पत्ता है, लहसुन है और प्याज है, इसमें मिर्चा भी है। हम इसको मिक्सर में पीस लिए हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे इस तरह से, ये सरसों का तेल है। इस तरह से तेल डालिए इसमें, और इसमें नमक डालेंगे। सब्सक्राइब करो। देख क्या रहे हो? हेलो फ्रेंड, तो देखिए इसमें हम ये पचफोरन है, लहसुन है, प्याज है, मिर्चा है, इसमें हम सरसों का तेल भी डाले हैं, नमक भी डाले हैं। तो अपने जितना आपको नमक पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो, कम पसंद हो, तो इतना डाल सकती हैं आप। देखिए जो आम का खटाई नहीं बनता है, तो उसको हम खटाई बनाते हैं ना, तो वही खटाई है। देखिए कितना प्यारी खटाई है, ये कितनी प्यारी खटाई है। तो इसी का हम मसाला निकाल लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। देखिए हम चक्कू की सहायता से निकाल सकते हैं, हाथ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लिए। और बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप भी इसी तरह बनाइएगा अपने घर में। अगर आपके पास खटाई का मसाला ना हो, तब इसमें आप धनिया भूनकर पीस कर डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से, अब इसको हम हाथ, चम्मच से नहीं मिलाएंगे, इसको हाथ से मिला के हम दिखाते हैं। इसी तरह से इसको मिला लेते हैं। इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। अब इसी हम बैंगन को, फ्रेंड तो आपको हम दिखाए नहीं थे, हम आलू को ऐसे काटे थे, इस तरह से, ऐसे ऐसे चार भागों में हमने इसको काटा है। इसी में हम मसाले को भरेंगे और बहुत ही टेस्टी होगा हमारा ये जो है कलौंजी। तो फ्रेंड देखिए मैं किस तरह से कलौंजी को भरती हूँ। इस तरह से बैंगन में डाल लेते हैं, सारे बैंगन को इसी तरह भर लेते हैं हम इस तरह से, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और कढ़ाही में हम रखते हैं इसको इस तरह से। हेलो फ्रेंड, तो देखिए हमने बैंगन को और आलू को भर लिए हैं अच्छी तरह से। इस तरह से कढ़ाई में रख लिए हैं, और इसमें हम कड़ू का तेल डालेंगे, सरसों का तेल। हम लोग तो गांव के हैं तो कड़ू का ही बोल देते हैं, तो आपको बता रही हूँ ये सरसों का तेल है। इस तरह से सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में, जितना तेल डालें कि खूब अच्छे से ये एकदम लाल हो जाए, भूरा कलर का हो जाए, तो कलौंजी खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। और इस पे हम थोड़ा सा नमक भी छिड़क देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से नमक भुरभुरा देंगे, तो क्या रहता है कि अच्छी तरह से ये पक जाता है और हमारी कलौंजी बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह से हम एक थाली लेंगे, थाली को इस तरह से कलौ ढक लेते हैं। ये हमारी कलौंजी को हम ढक लिए, अब इसको देखते हैं कैसे चूल्हे पर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी कलौंजी बन के तैयार हो गई। ये हमारी कलौंजी है इस तरह से, ये हमारा आलू है, एक कलौंजी है, एक बैंगन जो था वो है। देखिए इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, इसकी महक बहुत प्यारी है।
देखिए ये हमारी कलौजी है और ये हमारी पूड़ी है। क्या है? पूड़ी और कलौजी, इसी के साथ हम इसको खाते हैं। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों हमारी कलौजी कैसी, हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। कलौजी एक बार बना के तैयार करना। धन्यवाद।